तकलीम लाए और खिताब फरमाए। हाँ,
पाकिस्तान को समझने के लिए पहले ये लाइन करनी पड़ेगी। और ऐसा भी नहीं हुआ कि जनाब हमारे बुजुर्ग सोए रहे और सुबह उठकर पाकिस्तान का ऐलान किया तो पाकिस्तान बन गया। नहीं नहीं, पाकिस्तान खून की नदियों पर बना है, खून की नदियों पर बना है। 1857 से लेकर आज तक इस धरती के ऊपर जिन्होंने कुर्बानियां दी है उनको रवा कहते हैं, उनको मशाक कहते हैं, उनको आस्थान मुस्तफा कहते हैं, उनको आवाम कहते हैं। और हमारे बड़ों ने ऐसा नहीं हुआ कि स्पेन के अंदर जब इस्लाम पर मुश्किल वक्त आया तो उनके मुक्तदार लोग, उनके जिम्मेदारान लोग वो जनाब अपने चेहरे और दाढ़ियां उड़वाकर और जनाब होलिये बदल कर स्पेन से भाग गए और जनाब अपना मुल्क बदल कर गए और जनाब ताए बाए निकल गए। लेकिन जब बड़े शरीर पर इस्लाम के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो हमारे बड़ों ने अपने होलिये बदल कर रास्ता नहीं बदला, मौकफ नहीं बदला, बल्कि मुल्क से भागे नहीं, बल्कि कहा अंग्रेज की चेहरे आवाज करके भी कहा कि है मश्क सुखन जारी और शक्की की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी जो चाहो से तंग कर लो और भी खुद खेलो पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी। और इसकी वजह ये नहीं कि हमारे अंदर कोई दम खम है, इसकी वजह ये भी नहीं कि जनाब जब आशान रसूल चले और जनाब वजीर आबाद तक कुफर की हर सालिश को उल्टा करके रखते, सिर्फ ये नहीं कि ये हमारा कमाल है, ये हमारी कोई साथी जनाब तब है, नहीं नहीं, एक ही बात है कि शाहों के तकबर से भी तब कर ना रहा मैं, आखिर किस बात का है आप सर गदा हूं मैं। और एक एक दिन में 300-300 फांसी घाट आबाद किए और अल्लामा फजल-ए-हक खैरबादी जैसे रिजाल जाके काले पानी की जेलें आबाद की। और आज पाकिस्तान में भी आवाज लगी थी कि हम आजादी की जंग लड़ेंगे। मैंने कहा है आजादी की जंग लड़ने के लिए पहले अपना नसब ठीक करना पड़ता है, पहले अपनी लाइन ठीक करनी पड़ती है। और एक और आयत थी कि जनाब इसने बड़ी तबाही मचा दी है, हम जनाब उनके अंदर खुशहाली लाएंगे। मैंने कहा ये मुंह और मसूर की दाल, और ये वो लोग जो जनाब आलमी कुफर के एजेंट और आलमी जनाब साम्राज्य के एजेंट वो पाकिस्तान के अंदर बैठकर पाकिस्तान के पखिए उधेड़ कर दे गए। अभी तो आज कल में ताजा ताजा बात ये सामने आई है कि एक एक पीडीएम के एमएनए जो पीडीएम के साथ मिले हुए थे उस विवादों में शामिल थे, एक एक एमएनए को एक एक अरब रुपया मिला है। मैंने कहा जिन एमएनए की कीमत एक एक अरब रुपया हो वो कौम की बात जाकर कैसे जनाब गैर मुल्कियों के सामने या जनाब कैसे आदमी जनाब फार्म्स पर ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान हमारा है, इसमें रहने वाली कौम हमारी है, इसका दर्द हमारा है, इसका जनाब तकलीफ हमारी है। उनको क्या एहसास हो जिनके बच्चों की तालीम भी लंदन में है, जिनके बच्चों का इलाज पेरिस में है, जिनकी जायदादें जनाब सरे महल में है, उनको क्या पता हो कि पाकिस्तान में बसने वाले इन आवाम का दर्द क्या है। ये कोई समझ सकते हैं कि जिनके बड़ों ने पाकिस्तान बनते वक्त कुर्बानियां दी और आज भी खड़े हैं और आज आके कोई उठकर कहे कि जनाब पूरे वाला की सरजमीन पर आपको जनाब कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं है, फला वगैरह नाराज हो जाएगा, फला वजीर नाराज हो जाएगा, फला जनाब फला एस्टेब्लिशमेंट नाराज हो जाएगी, फला ब्यूरोक्रेसी नाराज हो जाएगी, फला की तुम पर पाव आया है। मैंने कहा एक बात कौन घर का कान खोल कर सुन लो, हम आए इस सब की तुम को मचलने के लिए है, हम आए इस सब की तुम पर पाव लाकर खड़े होकर यह कहने के लिए आए हैं कि तुम्हारे प्यो का पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान साढ़े और इंशाल्लाह
तहरीक लबैक पाकिस्तान जब दिफाए नामोस रिसालत के लिए निकले तो पूरी दुनिया चीखती है कि ये मोहम्मद अरबी के गुलाम कहां से आ गए। और एक बात भी याद रखना, ये समझते हैं कि जनाब ये चंद लोग अल्लाह के बंदों, सारी जिंदगी याद रखना ये लबैक वाले ही है। अगर पाकिस्तान पर कोई मुश्किल वक्त आ गया तो सबके जहाज प्यार खड़े हैं, सबके जहाज प्यार खड़े। अभी वो शेख की पीपल्स पार्टी उनके चंद लोग पकड़े हैं तो सब जनाब भाग कर कोई दुबई जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है, कोई जनाब फ्रांस जा रहा है। हमने तो उमरे के नाम पर भी इस मुल्क को नहीं छोड़ा। हमें तो लोग कहते हैं उमरे पर चले, मैंने कहा हम उमरे पर इसलिए नहीं जाते कि हजरत हुबैब पे नदी ये मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है, इनको काफिरों ने कैद कर लिया और गज़वे बदर के बाद कैद हुए। तमाम अहले कुरैश ने ऐलान किया आओ हुजूर के गुलाम से बदला ले। जब जनाब तख्तेदार बना दिया गया ऐसे फितने की बार हजरत हुबैब पे नदी को बांटने लगे तो कहने लगे हाँ भाई हुबैब कोई तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश ना बताने लगे कि हम क्यों नहीं जाते। उनका कोई आखिरी ख्वाहिश, उन्होंने कहा यार मुझे दो रकात नमाज फजर पढ़ ले दो। उन्होंने कहा जी ठीक है पढ़े। उन्होंने हजरत हुबैब पे नदी ने जल्दी जल्दी दो रकात नमाज फजर पढ़े और जनाब अस्तादार की तरफ चल पड़े। वो कहते हैं जिस ताज से कोई मक्तल को गया वो शाम सलामत रहती है। हजरत हुबैब पे नदी बड़े जनाब गर्दन उठा के और ऐसे पहलवानों की चाल चलते हुए अस्तादार की तरफ चले और कहने लगे यार मेरा दिल तो था कि मेरी जिंदगी के आखिरी दौर में भरे मैं बड़े लंबे हालात करूँ, अपने रब से बड़ी लंबी बातें करूँ। कहने लगे मैंने इसलिए जल्दी जल्दी पढ़े हैं कि तुम हुजूर के दुश्मन सामने खड़े हो, कहीं दिल में ये ख्याल ना ले आओ कि मोहम्मद अरबी का गुलाम मौत के डर से नमाज लंबी पढ़ रहा है। हम तो इसलिए मौत भी छोड़ कर नहीं जाते उम्र के नाम पर। तो ये ना कहते कि जनाब सख्तियत देख के जिले देख के मुश्किल देख के ये मौत छोड़ कर भाग गए हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, हमारे बड़ों ने हमें सबक सिखाया है कि मर ही जाऊं तो इस तरह से जाऊं दो कदम, क्या बचे थे मारे गम कुर्बे नसीहा छोड़कर। और ये आगे हमारे पास के जना फला ले ले फला ले ले फला ले ले फला ले ले। और मैंने कहा चले हो उसी बड़ी लेट आयो साढ़ा बाबा साढ़ा सौदा बाजारे और सफाई उसका हाकिम
लेकिन जो इस्लाम ते मुश्किल वक्त होवे तो फिर जान मैदान च हर दा विदर जहरत दा दस मिलेगा और इस्लाम जिंदाबाद इस्लाम और इस्लाम ते होजरा नु छोड़ के इमाम अली मकाम दी तरह हाज मौकूफ करके इहराम लाके दरबार जान दा दस मिलेगा आओ इस्लाम मेरा जरा जरा समस्तारे ते बैठ दा अपने देदा और इस्लाम होजरा दा अपने देदा बैठ देदा कहां खलीलों बिना
मेरे घर की है। और मौला अली ने वाली तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है, बल्कि सिद्दीक गार में जान उन पे दे चुके, जान तो हिफ्ते जान फुरूजे फुरत की है, साबित हुआ कि तुमरा फराज शुरू है, असर और रसूल बंदगी उस्ताद वर की है। पहले दिन तक होने वाला है माहौल नहीं पढ़ सकता, एक जनाब तकदीर इसलिए चाहता
किस्मत निकाल लेंगे किस तरह चलना, लेकिन एक किस्मत किस्मत की बात है, कोई किसी ने चोरियां छुपाने वास्ते आ रहा, कोई किसी ने जनाब हथकड़ियां तो लग गई जेल लग गई, जेलों भी आ गई, कैदी नंबर 804 भी बढ़ गया। Shut up.
पर और देखे सौदा उमर की बात एक बात कर अजय भी मैं देख रहा कहीं हाथ थले कहीं हाथ थले मैं कल रन अजय नहीं अजय मैं कल सुना जाऊ ऐसा हाथ चलना क्यों है ऐसा हाथ चलना क्यों है मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जनाब ने बुरा रे सवाल किया ये तुम्हारे ते मेरे वास्ते कि वफा सिर्फ हुजूर नाल है और जेना हाथ का काम आना हजरत अबू हुरैरा ने सवाल किया या रसूलुल्लाह क़यामत वाले दिन अब नहीं वो आखिरी जमा होंगे सारी उम्मत जमा होंगी सारे लोग जमा होंगे या रसूलुल्लाह तुम किसे तलाश करिए मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा मैं हौज के कौसर से खड़ा होकर अपनी प्यासी उम्मत को पानी पिला रहूंगा छुपे चोर अनोखा और मुजरिमों को ढूंढती फिरती है रहमत की निगाह तेरी साल सारी वाह हवा हजरत अबू हुरैरा ने हुजूर ने फरमाया भाई अबू हुरैरा निजाम के आ जाने मैं अपनी उम्मत के नाम है अमान करवा जाऊंगा उन्होंने कहा यार सुन जो थे भी मुलाकात ना हुए तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब हुरैरा को शराब के आ जाने मैं रब्बे सल्लम कहते अपनी उम्मत को गुजार जाऊंगा और पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर सुभान अल्लाह पाए कूबा है रजा आप पुल पर से गुजरिए वज करते रब्बे सल्लम है सदाए मोहम्मद हां जी मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा उस रात के आदमी मैं अपनी उम्मत को गुजार रहूंगा और अगर या रसूलल्लाह अगर कोई से रात से भी मुलाकात ना होवे ऐ तुम्हारे ते मेरे वास्ते गल है शर्माना नहीं हुजूर का नाम लेने आया तेरा हर जगह काम आना आगे गौर करना मेरे मैं सबसे बड़ा गुनहगार और सारे गुनहगार होंगे उम्मत के वास्ते हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा चुप कर जा क़यामत वाले दिन मेरे उम्मती को जिथे मेरी लौट पवेगी मेरी मुलाकात उस नाल उत्थे हो जाएगी क्या बात सुभान अल्लाह क्या बात क्या होगा